हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम मटेरियल चैप्टर्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2013 में ये क्वेश्चन आया था, ये हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि ब्लैक स्मिथ कंपनी बायस इन अ लॉट्स ऑफ 125 बॉक्सेस, मतलब एक लॉट में 125 बॉक्स वो बाय करती है। ठीक है, यानी कि उसका जो ऑर्डर का साइज है वो कितना है, 125 बॉक्सेस का है, एक एक लोड का। ठीक है, विच इज अ 3 मंथ सप्लाई, 3 महीने में वो एक बार करती है एक लोड का, जिसका दे रखा है 125। यानी कि उसकी अगर हमें पूरे साल की डिमांड निकाली जाए, एनुअल डिमांड, तो एनुअल डिमांड हमारे पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 बॉक्सेस वो एक बार में करती है 3 मंथ, एवरी 3 मंथ्स में। तो टोटल हमारे पास में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो वो कितनी बार ऑर्डर कर रही है, टोटल 4 टाइम्स। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, इसके हिसाब से कितने हुए, 4 ऑर्डर्स हुए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 500 बॉक्सेस का। ठीक है, 500 बॉक्सेस आ गए। अब द कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125, एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 125। द ऑर्डरिंग कॉस्ट 250 पर ऑर्डर, यानी कि ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू हमारे पास में कितना दिया हुआ है, 250 पर ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद दिया है द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू पर एनम। ठीक है, यानी कि सी सी हमें क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम। ठीक है, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है 125, ये वाली जो कॉस्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी परसेंटेज है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज से। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये सी आ जाएगा। अब निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है उस पर आपको टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी का मतलब अभी ये जो लोड साइज 125 का है, इस पर आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी होगी। उसके बाद बोलता है नंबर टू में, हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप ईओक्यू अप्लाई करते हैं तो आप कितनी मनी सेव कर पाते हैं। ठीक है, आपको यानी कि ईओक्यू पता होना चाहिए। अब ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2AO डिवाइडेड बाय सी। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई ए आया हमारे पास में कितना, 125 मल्टीप्लाई 4, ओ आया कितना, 250, उसके बाद डिवाइडेड बाय सी, सी हमारे पास में कितना आया, 125 मल्टीप्लाई 20%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करने पर कितना आया, 100 यूनिट्स। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना है कि अगर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी है तो हमारी टोटल कॉस्ट एनुअल कॉस्ट कितनी है, और अगर हम ईओक्यू फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी आती है, तभी हम बता पाएंगे कि हम ईओक्यू अगर इम्प्लॉय करते हैं तो हमारा कितना सेव कर पाते हैं मनी को। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हम लिखते हैं कि अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तो क्या होगा, अगर हम ईओक्यू वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, यहां पर निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है क्या, जितनी आपकी एनुअल डिमांड है उसको आप डिवाइड कर देते हैं किससे, ऑर्डर के साइज से। ठीक है, जो आपका ऑर्डर साइज होता है, दैट मीन्स आपका क्या, ईओक्यू। ठीक है, ये आ जाता है। यहां पर अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हमारी एनुअल डिमांड कितनी थी, 500 थी, मतलब दोनों में 500 ही है। अब डिवाइड किससे करेंगे, एग्जिस्टिंग वाले में, एक बार में वो कितने का देते हैं, 125 का। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हुए, 4 ऑर्डर, और यहाँ पर हमारा ईओक्यू आया था 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितने ऑर्डर आएंगे हमारे, 5 ऑर्डर। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 ऑर्डर, यहाँ पर हो गए हमारे 5 ऑर्डर। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल एनुअल कॉस्ट। ठीक है,
टोटल एनुअल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, बाइंग कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जो हमारी क्या है, परचेज कॉस्ट, ठीक है। परचेज कॉस्ट के लिए अभी तो हमारा सेम ही है, यहाँ पर भी हमारी 500 की क्वांटिटी है, यहाँ पर भी हमारी 500 की है, मल्टीप्लाई एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 125, और यहाँ पर भी कितनी है, 125, इसका आ जाएगा 62,500, इसका भी आ जाएगा 62,500। अब हमें चाहिए यहां पर क्या, सेकेंड नंबर पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, जो हमारा मेन आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है क्या, जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर आए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर से, ठीक है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने थे, 4, मल्टीप्लाई एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 250, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर है 5, मल्टीप्लाई एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 250, तो इसको करने पर आया हमारा आंसर कितना, 1250, और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया कितना, 1000 का, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा हमारा नंबर 3, वो होएगा क्या, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, उसका फॉर्मूला होता है जितना हमारा ऑर्डर साइज है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट, यानी कि यहां पर हमारे पास में कितना था, एग्जिस्टिंग लेवल में जो ऑर्डर साइज था कितना था, 125 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट, 125 मल्टीप्लाई परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट की 20%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1562.50। अब यहाँ पर हमारा ऑर्डर साइज कितने का है, 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 125, ठीक है, मल्टीप्लाई 20%, ठीक है, यही हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1250। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, जो गिवन है देखो, यहाँ पर ये एक तो आया ये कितना 62,500, और एक आया ये 1000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर 1562.50, इसका टोटल हुआ सारा मिला के 65062.50। यहाँ पर आया 62,500, ये तो सेम है 1250, और यहाँ पर ये 1250, ये सारा टोटल हुआ मेरा कितने का, 65,000 का। अभी देखो अगर हम ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करते हैं तो उस केस के अंदर हमारी सेविंग कितनी हुई, टोटल 62, यहाँ पर ये लिस्ट ये वाला एक्सेस है ना 62.50 से, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, मनी सेव्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें पूछा है ना हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड बाय इम्प्लॉइंग द ईओक्यू, अगर ईओक्यू हम इम्प्लॉय करते हैं तो जो हमारी मनी सेव्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मनी सेव्ड बाय ईओक्यू इज इक्वल टू 65062.50 माइनस 65,000 इज इक्वल टू 62.50, इतनी मनी सेव हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बस ये थोड़ा लॉट साइज का था इसमें कि कितना हमारा होगा, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से सॉल्व करिएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के करेंगे उसमें, वो भी 2013 का ही क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।